और कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, इसके बाद कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की है न्यूज एसेट संवाददाता ने। इस आदेश को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं। बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और आजकल कुछ नई चीज़ें समाज में पैदा हो रही है, राजनीति में पैदा हो रही है, बहुत सारे विवादित विषय भी हैं और कुछ दूसरे विषय भी, उन पर बात करते हैं। हरीश जी, एक नई व्यवस्था इस बार से कांवड़ के लिए यहाँ पर हो गई है, पहले उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश की देखा देखी, फिर यहाँ भी कर दी गई कि जो भी कांवड़ को लेकर के दुकानें लगेंगी तो उनमें आपको मतलब बाहर नाम लिखना है, नंबर लिखना है, अपनी आइडेंटिटी पूरी बतानी है, आप कौन है। तो ये पहली बार हो रहा है और कांवड़ में ऐसा तो है नहीं, सदियों पुरानी परंपरा है कांवड़ की, तो ये क्या है आपके हिसाब से? देश ने जिस छुआछूत को आजादी मिलने के साथ दफन कर दिया, जिस छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ हमारे महापुरुष लड़ते रहे, सनातन धर्म उसी का परिणाम, उसी सनातन धर्म भी जो कहता है, ये ऐसा लगता है उसकी अवहेलना है पूरी तरीके से। और फिर से इस तरीके के नाम, प्लेट, खाने की चीज ठेली पर, होटल पर, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, ये सब क्या इंडिकेट करता है? इससे कांवड़ यात्रा जो भगवान शिव जो अपने आप में सर्वधर्म सब संभावी देवता है, तो उस संभावी देवता के नाम पर जो कांवड़ यात्रा चलती है, जिसमें हमको गर्व है, उसमें ये इस तरीके का कुनिर्णय क्यों और उसको क्यों लागू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, मैं उनके इस निर्णय की निंदा करता हूं। ये गलत निर्णय है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या समुदाय विशेष? कुछ नहीं है, एक विद्वेष पैदा करना है जानबूझ करके। और आज तो तुम चलो ठेली पर लगा लोगे, होटल पर लगा लोगे, दूसरे पर लगा लोगे, कल जो है आलू के दाने पर भी लिखा जाएगा एक, इसको किसने पैदा किया, किस खेत से आया है, या कल को किसी टमाटर पर भी लिखा जाएगा ये किसके खेत में पैदा हुआ। छुआछूत, किसी भेदभाव, ये किसी के लिए भी, किसी भी धर्म, हमारा धर्म तो सर्वधर्म संभाव कहता है, सर्वसमान संभाव कहता है। कॉपी राइट आप करना रखना चाहते हैं केदारनाथ धाम, ये हमारा बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, जागेश्वर धाम, तो ये हमें राज्य के तौर पर अधिकार है। यदि आपको लग रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, कहीं हो रहा है, लेकिन नाम पर ना हो। अब कल केदार सिंह नाम होता है किसी का, तो उसके उसके माँ बाप पर मुकदमा कर देंगे आप। धाम और ट्रस्ट नहीं बना सकते, यहाँ तक ठीक है, लेकिन नाम का यूज नहीं कर सकते। नाम तो परंपरा है, लोग नहीं तो वो तो केवल हमारी उसी फोटो को प्रचलित करते हैं जिसमें मैं किसी। बढ़ते आगे, भदोही से बीजेपी सांसद विनोद बिंद के खिलाफ आज हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में उनकी संसद